सूरजमुखी के लिए किसान जेल में चले गए, जिस सूरजमुखी के लिए 12 तारीख को पिपली में एक बड़ी रैली हो रही है राष्ट्रीय स्तर की एमएसपी की खरीद को लेकर, उस सूरजमुखी का हाल क्या है? शाहबाद की मंडी में देख सकते हैं, शाहबाद के अनाज मंडी में देखिए, सूरजमुखी की बुक कर देखिए, बारिश आ गई और सूरजमुखी पानी में भीग गई। अब उस सूरजमुखी को जिसके लिए किसानों ने लाठियां खाई, जिसके लिए किसान जेल गए और जिसके लिए मुख्यमंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी हालात देखिए। ये सूरजमुखी है या हजारों क्विंटल सूरजमुखी आप कह सकते हैं खुले आसमान तले पड़ा है, इसके अलावा मक्का भी पड़ा है और ये है संवेदनहीनता प्रशासन की। जब पूर्वानुमान होता है बारिश आ सकती है तो उसके बावजूद हालात देखिए, यहाँ पर सूरजमुखी जगह जगह ढेर लगे हुए हैं और जगह जगह पर सूरजमुखी भीग चुकी है। अब ये सूरजमुखी भीगी किसान की है या सरकार की ये अभी नहीं पता, लेकिन हालात काफी बदतर हैं। हम आगे दिखाएंगे आपको साथ साथ चल के किस तरह खुले में सूरजमुखी पड़ी है और यह सूरजमुखी किस तरह यहाँ पर अब देख सकते हैं। अब सूरजमुखी क्या होगा शायद हमें भी नहीं मालूम, और किसान धरती पुत्र किसान किस हालात में, आप देखिए यह सूरजमुखी इन किसानों की है जो किसान इस सूरजमुखी को लेकर यहाँ मंडी में आए थे कुछ पैसा लेने के लिए। हालांकि बहुत कम किसान यहाँ सूरजमुखी दे रहे हैं, लेकिन जो किसान आ रहे हैं उनकी हालत देखिए, और मंडी में देखिए हालात क्या है, किस तरह मंडी के अंदर पानी भर गया। और ये किसान धरती पुत्र किसान जो मेहनत करके यहाँ पर सूरजमुखी लगाता है और सूरजमुखी उसी सूरजमुखी को ये देख सकते हैं, कितना दर्दनाक दृश्य होंगे देखने में आपको शायद वो लग रहा है, लेकिन कितना बुरा हालात है किसानों की। सत श्रीकाल वीर जी, बेटे चाटी सूरजमुखी सीधे, ये सारी देखिए सूरजमुखी, देखिए पानी में बह रही सूरजमुखी, देखिए और हालात देखिए। थोड़ा बच्चे आ जाए बेटे प्लीज, कितना आए बेटा किधर आए? मधीपुर सूरजमुखी जाए जी नाले से। हाँ जी हाँ जी सूरजमुखी, एकदम बारिश आ गई क्यों है? ये धरती पुत्र किसान है जिनके आप हालात देखिए किस तरह सूरजमुखी। बाबू जी की कहना चाहोगे की हालात तो सूरजमुखी टक्कर वहां जाते पल्ली भी नहीं गई, पल्लियां तो इंतजाम चाहिए सूरजमुखी बह गई पानी से। दो किले अब तो मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, कितने की हो जाती है काम से कम 70-80 हजार हालात खत्म हो गए, खत्म हो गए। ये देखा देख सकते हैं आप किस तरह सूरजमुखी, ये देखिए ये सूरजमुखी है जिसके लिए किसान लड़ाई, देखा ये दिखा देखिए ये दृश्य आप देख रहे हो कितने बुरे लग रहे हैं। अब देखिए किस तरह ये धरती पुत्र किसान अपने हाथ में अपनी मेहनत की कमाई लेके जा रहा है और देखिए कितना दर्द भरे दृश्य होंगे, लेकिन दर्द है पीड़ा है किसान की। बेटा आप 2 किले में 70-80 हजार की सूरजमुखी होती है, कुछ बनाया जी बापू ने बजट की करना ही देखो ही योजना लागू करते पे तो परमात्मा साडा साथ नहीं दिंदा। देखिए ये है पीड़ा धरती पुत्र किसान की पीड़ा, पहले सरकार डंडे मारती है उसके बाद आसमान और भगवान भी साथ नहीं देता। बापू जी दुख दी घड़ी मैंने लग रहा है, बहुत दुख है चौनों से, मगर ज्यादा दुख है जी, बच सकती इस मुसीबत तो बचा जा सकता है भैया, क्यों बच सकने हैं तो प्रशासन को इंतजाम को नहीं करते हैं गुण कोई पल्ली नहीं गई। देखिए कितना ये दारुण दृश्य हो गए, मैं कुछ अब दिखाना चाहूँ किस तरह देखिए सूरजमुखी बहती जा रही है, देखिए नाले में पानी के साथ साथ किस तरह यह सूरजमुखी बह रही है और इस सूरजमुखी के बहने के साथ साथ अब देखिए क्या हालात होंगे यहाँ पर किसानों के। ये देखिए किसान किस तरह देख के भी दुख आता है, किस तरह धरती पुत्र किसान की हालात है। ये देखिए अब देखेंगे किस तरह सूरजमुखी ये बहती जा रही है पानी के अंदर, अब देखिए ये हालात देखिए किस तरह के हालात हैं, और ये देखिए सूरजमुखी है इसमें साथ में देखिए हम देख देख के हमें दुख हो रहा है किस तरह ये किसान धरती पुत्र किसान, ये देखिए कितना ही दर्दनाक दृश्य होंगे हम लोग हो सकता है, लेकिन देखिए इन किसानों की सोचिए जो 80 हजार की सूरजमुखी होती कर्जा उतारता किसानों का सब कुछ करता, लेकिन अब देखिए हालात क्या है। अब देखिए ये किसान है धरती पुत्र किसान, ये देखिए किस तरह ये बेचारे 3-4 महीने मेहनत करने के बाद ये फसल आई थी, उस उम्मीद थी कुछ कर्जा उतरेगा कुछ घर का सामान बनेगा, लेकिन थोड़ी देर की बारिश ने सब तबाह कर दिया। देखिए हम आगे दिखाएंगे किस तरह यहाँ पर सूरजमुखी को पानी में से निकालने की कोशिश की जा रही है, देखिए किस तरह पानी में ये सूरजमुखी है सारी भाई। अब देखिए किस तरह आप किसान हैं, क्या आरती हैं आप जी? आप किसान हैं आरती हैं आप जी? क्या कहोगे क्या है कौन जिम्मेवार इसके लिए इतना जो हुआ? गवर्नमेंट जिम्मेवार इसके लिए जी, कैसे क्या कहोगे? गवर्नमेंट खरीद खरी करी जी, जिम्मेदार तंग और आरती भी तंग हो रही जी, जिम्मेदारी किसान जी। ये देखिए किसान जी, देखिए अब देखिए
किसान से मिलूंगा लेकिन दिखाना चाहूंगा किस तरह हालात क्या। देखिए ये है सूरजमुखी जिसके लिए नेता जेल में पड़े हैं और परेशानी है। हम देखिए अब देखिए क्या हालात है, ये देखिए सूरजमुखी के हालात, देखिए क्या हालात है सूरजमुखी के यहाँ पे। और ये किस तरह पानी में सूरजमुखी बह रही है, सूरजमुखी नहीं ये सरकार का जो बद इंतजामी है और किसान के सपने हैं वो सब इस गंदे पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ बह गए और कोई कुछ नहीं कर सका। लेकिन परेशानी काफी ज्यादा है और अब देखिए किस तरह सूरजमुखी को निकालने की कोशिश की जा रही है, पानी में से निकाल के कुछ किया जाए लेकिन क्या हो पाएगा सूरजमुखी का, कब सूखेगी, कब इसमें से बनेगा। देखिए लेकिन देखिए ये देखिए किस तरह का देख कर दुख आता है, सिस्टम क्या था, इस सिस्टम का देखिए कितना बड़ा दोष रहेगा। और अब देखिए सिस्टम की कमयाबी कहिए या प्रशासन की कमी, लेकिन निश्चित रूप से काफी बुरे हालात है यहाँ पे। और अब मुद्दे की बात यह है कि सरकार क्या इस पर ध्यान देगी, मंडी में आया सूरजमुखी जो बिका नहीं और पानी में यूं ही बह गया, क्या उसका मुआवजा सरकार इन किसानों को देगी। सरकार खरीद नहीं रही है, किसान घर रख नहीं सकता है और आड़ती के पास जवाब नहीं है, लेकिन पिसा तो बेचारा किसान ही। जो किसान धरने दे रहे हैं जेलों में बैठे हैं सूरजमुखी के लिए, उस सूरजमुखी का बुरा हाल हमने यहाँ देखा, निश्चित रूप से काफी दर्दनाक दृश्य है। हरियाणा तक के लिए कुरुक्षेत्र के शाहबाद से चंद्र प्रकाश।